17वीं लोकसभा ने 5 वर्ष देश सेवा में जिस प्रकार से अनेक विध महत्वपूर्ण निर्णय किए, अनेक चुनौतियों को सबने अपने सामर्थ्य से देश को उचित दिशा देने का प्रयास, एक प्रकार से ही आज का दिवस हम सबकी उन 5 वर्ष की वैचारिक यात्रा का, राष्ट्र को समर्पित उस समय का, देश को फिर से एक बार अपने संकल्पों को राष्ट्र के चरणों में समर्पित करना ये अवसर है। ये 5 वर्ष देश में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये बहुत रेयर होता है कि रिफॉर्म भी हो, परफॉर्म भी हो और हम ट्रांसफॉर्म होता अपनी आंखों के सामने देख पाते हो, एक नया विश्वास भरता हो। ये अपने आप में 17वीं लोकसभा से आज देश अनुभव कर रहा है और मुझे पक्का विश्वास है कि देश 17वीं लोकसभा को जरूर आशीर्वाद देता रहेगा। इन सारी प्रक्रियाओं में सदन के सभी माननीय सदस्यों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है और ये समय है कि मैं सभी माननीय सांसदों का इस गृह के नेता के नाते भी और आप सबके एक साथी के नाते भी आप सबका अभिनंदन करता हूँ। विशेष रूप से आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पांचों वर्ष कभी कभी सुमित्रा जी मुक्त हास्य करती थी, लेकिन आप हर पल आपका चेहरा मुस्कान से भरा रहता था। यहाँ कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी उस मुस्कान में कोई कमी नहीं आई। अनेक विध परिस्थितियों में आपने बहुत ही संतुलित भाव से और सच्चे अर्थ में निष्पक्ष भाव से इस सदन का मार्गदर्शन किया, सदन का नेतृत्व किया। मैं इसके लिए भी आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आक्रोश के पल भी आए, आरोप के भी पल आए, लेकिन आपने पूरे धैर्य के साथ इन सभी स्थितियों को संभालते हुए और एक सूझबूझ के साथ आपने सदन को चलाया, हम सबका मार्गदर्शन किया, इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। आदरणीय सभापति जी, इस 5 वर्ष में इस सदी का सबसे बड़ा संकट पूरी मानव जात ने झेला, कौन बचेगा, कौन बच पाएगा, कोई किसी को बचा सकता है कि नहीं बचा सकता, ऐसी वो
अवस्था थी। ऐसे में सदन में आना ये भी, अपना घर छोड़ के निकलना ये भी संकट का काल था। उसके बाद भी जो भी नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी आपने उसको किया, देश के काम को रुकने नहीं दिया, सदन की गरिमा भी बनी रहे और देश के आवश्यक कामों को जो गति देनी चाहिए वो गति भी बनी रहे और उस काम में सदन की जो भूमिका है वो प्रति भर भी पीछे न रहे, इसको आपने बड़ी कुशलता के साथ संभाला और दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में आदरणीय सभापति जी, मैं माननीय सांसदों का भी इस बात के लिए आज एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उस कालखंड में देश की आवश्यकताओं को देखते हुए सांसद निधि छोड़ने का प्रस्ताव माननीय सांसदों के सामने रखा और एक पल के विलंब के बिना सभी माननीय सांसदों ने सांसद निधि से मुक्त, इतना ही नहीं एक देशवासियों को पॉजिटिव मैसेज देने के लिए अपने आचरण से समाज को एक विश्वास देने के लिए सांसदों ने अपनी सैलरी में से 30% कटौती का निर्णय सबने खुद ने किया ताकि देश को भी विश्वास हुआ कि ये सबसे पहले छोड़ने वाले लोग हैं। और आदरणीय सभापति जी, हम सभी सांसद बिना कारण साल में 2 बार हिंदुस्तान के मीडिया के किसी न किसी कोने में गाली खाते रहते थे कि ये सांसदों को इतना मिलता है और कैंटीन में इतने में खाते हैं, बाहर इतने में मिलता है, कैंटीन में इतने में मिलता है, बाहर यानी पता नहीं बाहर लोग लिए जाते थे। आपने निर्णय किया सबके लिए समान रेट होंगे कैंटीन में और सांसदों ने कभी भी विरोध नहीं किया, शिकायत भी नहीं की और सभी सांसदों की बिना कारण इतनी फजेत करने वाले लोग मजे लेते थे उससे हम सबको आपने बचा लिया। इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।